हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप? मैं जानती हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो अभी देखिए, मॉर्निंग का समय हो रहा है। अभी सुबह के जो है ना, वो 6 बज रहे थे। 6 बजने में भी अभी 10-15 मिनट कम थे। और मैं अभी झाड़ू लगा रही थी, उधर बच्चे सारे सोए हुए थे, बस मैं और लक्ष्मी उठी थी, बाकी सब कोई सोया था। और अभी जगाऊंगी बच्चों को, इतना जल्दी क्या करूंगी जगा के। तो अभी मैंने रूम को, पीछे वाले रूम को क्लीन कर लिया है और अभी मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। और सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ ना, तो पितरों का, अगर पितर पक्ष चल रहा है तो पितरों का गाना लगा देती हूँ, वरना तो मैं डेली कोई भी भजन लगा देती हूँ। जैसे कि जैसा दिन रहता है उस हिसाब से मैं कोई भी भजन लगा देती हूँ। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने झाड़ू लगा लिया है, बच्चे भी सो के उठ गए हैं। और रुपेश छवि फूल तोड़ने जा रहे थे, और रुपेश जा रहा था दूध लेने, तो अभी मैं पोछा भी लगा लेती हूँ, फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो और अभी मैं बैठ के ही पोछा लगाती हूँ, पर मुझे लग रहा है कि अब मुझे ज़रूरत है कि मैं पोछा अपना चेंज कर दूँ। देखिए कब चेंज करती हूँ पोछा मैं अपना। तो अभी मैं गेट पे, मैं जो साइड साइड का किनारा है ना, वहाँ धो देती हूँ, क्योंकि वहाँ ये पूजा करते हैं। और अभी मैं ऐसे ही सारे घर में पोछा लगा लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे होंगे। तो देखिए, आजकल मैं आँखों में काजल लगा ले रही हूँ, क्योंकि ना रात को इतना काफ़ी टाइम तक जगना पड़ जा रहा है ना यूट्यूब के काम से, तो आंखें जो है वो पूरी सूज गई हैं, तो बड़ी बड़ी दिखने के लिए। और देखिए सूजी सूजी लग रही है ना, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देखिए पर मेरी आंखें कितनी सूजी सूजी हैं। बहुत थका थका सा लग रहा है, क्योंकि एक दो घंटे का काम तो होता नहीं है ये। और कल मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मैं क्या आपको बताऊँ, कल वीडियो पोस्ट करने में मुझे, मैं दोपहर में ही एडिट करके उसे खाली हो गई थी। मैंने सोचा कि मैं शाम तक उसे पोस्ट कर दूंगी, पर मालूम है जब मैं पोस्ट करने से पहले जो हम लोग वीडियो मतलब रिकॉर्ड किए रहते हैं, उसे मैं डिलीट करते वक्त मैंने जो एडिट किया था वीडियो ना, वो भी मैंने डिलीट कर दिया। तो मुझे गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी आ रही थी कि मैंने खुद से ऐसा किया। इतना मेहनत लग करने के बाद पूरा दिन, कल गेहूँ धुली थी, छत पे थी, और पूरा दिन मैं छत पे रह के वीडियो मतलब जो है एडिट कर रही थी। ये पूरा वॉइस वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया था, बस ये था कि अब उसे पोस्ट कर देना है। अब फिर जब नीचे आई पोस्ट करने, तो वहाँ से वीडियो गायब। फिर मैं उसे दोबारा बना के फिर मैंने यूट्यूब पर अपलोड किया, पर यूट्यूब पर अपलोड करने के बाद जब सिस्टर के फ़ोन में चेक किया कि वीडियो कैसा लग रहा है जाने के बाद, तो उसे म्यूज़िक काफ़ी तेज़ हो गया था, मेरा जो वॉइस था ना वो दब गया था, और बैकग्राउंड म्यूज़िक ही पूरा दिख रहा था। फिर तुरंत उसे मैं यूट्यूब से डिलीट की, फिर उसके बाद से फिर मैंने उसे फिर एडिट किया। मतलब कल जान जाइए पूरा दिन, पूरा मुझे लग रहा है कि मैं शायद 2 की 2:30 बजे के लगभग सोई थी सिर्फ यही करने में। जब मैं दोबारा वीडियो एडिट कर रही थी, तो उस समय 8:30 हो रहे थे। और घर का भी काम होता है, बच्चों को भी देखना होता है, बच्चों को देख के खाना पीना उन्हें खिला के फिर मैंने वीडियो को बनाया, फिर आज जाके उसे पोस्ट किया है। आज नहीं, मतलब जो कल नाइट बीत गया उसमें मैंने पोस्ट किया, परसों नाइट को छोड़ दिया, इस करके बस मैं छोड़ दी थी, क्योंकि मैं थक गई थी करते करते और रात भी हो गई थी, और सोना भी बहुत ज़रूरी होता है सेहत के लिए। तो इसीलिए देखिए मैं दिखा रही हूँ कि मेरी आईज जो है वो सूजी सूजी है। तो चलिए अब वही सवेरे का डेली रूटीन जो होता है, झाड़ू पोछा हो गया है, अब मैं नहा के आ गई हूँ, कपड़े को मैंने छत पे डाल दिया है, और अब चलती हूँ किचन में, बनाऊँगी जल्दी जल्दी खाना कुछ। अभी भो रहे हैं, 8 बज रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 8 बज रहा है, देखिए अभी 5 मिनट बाकी 8 बजने में। तो अभी चलती हूँ सीधा किचन में, और अभी देखिए सब अपने अपने काम में लगा हुआ है। यहाँ का लाइट बंद कर दूँ, क्योंकि बिजली बिल बहुत ज़्यादा आएगा। फ़ैन भी बंद कर देती हूँ। यहाँ देखिए सभी भी नहा ली है, और हाय बोलो सभी। और ये देखिए ये अपने काम में लगी हुई है, और यहाँ देखिए रुपेश अपने काम में लगा हुआ है। रुपेश दिख रहे हो कि नहीं? लक्ष्मी अपने काम में लगी हुई है, तो ना सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। और मैं चलती हूँ किचन में। आज मैंने सोचा है कि आलू रख दिया उबलने के लिए, आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी और कचौड़ी बनाऊंगी सोचा है आज। तो अभी ये आलू उबल रहा है, और इधर देखिए दूध जो है वो खोल गया है, और बैकग्राउंड कैमरे से दिखाती हूँ, क्योंकि ऐसे दिक्कत हो रहा है। अभी दूध पे जाली लगा देती हूँ, दूध खोल गया है। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने कल
जो मैंने कल उड़द दाल था धोया था वो फुला दिया है रात भर, ये देखिए फूल गया है। अब मैं पहले इसे दरदरा ही पीसूंगी, बारीक नहीं पर इसे बिल्कुल मैं सूखा पीसूंगी। तो चलिए पहले इसे वाश कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कचौड़ी के लिए मसाले लिए हैं। ये सौंफ है 2 चम्मच बड़े चम्मच से, 1 चम्मच जीरा है, सब बड़े चम्मच से है, और ये 3-3.5 चम्मच धनिया है, और लाल मिर्च है 10 या 12 है, क्योंकि हम तीखा ज़्यादा खाते हैं इसलिए मैंने मिर्चा ज़्यादा लिया। आप चाहे तो मिर्च की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। तो अभी मैं इसे भून लेती हूँ, और उड़द दाल जो है ना वो 300 ग्राम है, तो इसलिए मैंने मसालों को ज़्यादा लिया। अभी मैं इसे भून लेती हूँ। तो अभी ना मसाला जो है वो भून गया है, और इसे मैं रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। और मैंने सोचा कि पहले मैं आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि आटा जो है ना उसे छोड़ना होता है आधे घंटे के लिए। अभी देखिए मैंने इसमें नमक डाल दिया है और रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, और ये 2 चुटकी बेकिंग सोडा है इसे मैं डाल देती हूँ। आप चाहे तो घी डाल सकते हैं मोइन के लिए, पर मैंने रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल किया है। अब इसे अच्छे से मोइन करके रगड़ रगड़ के फिर मैं इसका आटा बना लूँगी, 1 गीला सा डो कुछ इस तरह से, और इसे ढक के मैं आधा घंटा छोड़ दूँगी। और फिर मैंने सोचा कि कचौड़ी की फीलिंग बना लेती हूँ, तो ये सरसों के तेल में ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने सरसों का तेल लिया है। और ये मैंने ढेर सारा हींग डाला है, और 4-5 चम्मच मैंने बेसन लिया है, चने का बेसन, और इसे मैं भून लेती हूँ। पूरा नहीं, थोड़ा भुना रहेगा तभी मैं इसमें जो उड़द दाल पीस के रखी थी दरदरा उसे डाल दूँगी। और पहले मैंने इसे लो फ्लेम पे बेसन को भुना था, अब मैंने फ्लेम जो है हाई कर दिया है, और अच्छी तरीके से चला चला के भूनूंगी। जब तक ये सुनहरे कलर का ना हो जाए, जब ये सुनहरे कलर का हो जाएगा तब मैं इसमें मसाले डालूंगी। और इधर आलू टमाटर की सब्ज़ी के लिए मैंने तेल गरम कर दिया है, तेल गरम होने पर जीरा डाल दिया है, जीरा जब थोड़ा ब्राउन हो गया है, और लौंग भी डाला है फ्रेंड्स। और इधर देखिए मैं मसाले डाल देती हूँ, अभी ये जो है हल्का सुनहरा हो गया था, तो मसाला और नमक मैं एक साथ डालूंगी। और इधर प्याज, फिर मैंने जब जीरा जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गया था तो मैंने प्याज डाल दिया था, और इसे भी भून रही हूँ मैं। जो हूँ ना टमाटर और आलू टमाटर की रेसिपी मैंने डाल रखी है अपने वीडियो में, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से इसे चेकआउट कर सकते हैं, तो ये रेसिपी आपको वहाँ से मिल जाएगी। इसलिए मैंने ये रेसिपी जो है ना आप लोग से शेयर नहीं की, क्योंकि मैंने इसको कई बार यूट्यूब वीडियो में दिखाया है आप लोग को। और इधर ये देखिए फीलिंग भी तैयार हो गई है कचौड़ी की। तो अभी आटा भी देखिए मैंने मल मल के इसे बिल्कुल चिकना कर लिया है, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट सा हो गया है। तो अभी मैं जैसे पूड़ियों के लिए लोई लेती हूँ वैसे मैंने छोटी सी लोई ली है, इसे कुछ इस तरीके से मैं फैला लेती हूँ। फिर इसमें जितना मतलब फीलिंग जाएगा आप अपने हिसाब से, इतना ज़्यादा मत इसमें भर दीजिएगा कि ये फट जाए। तो इसे मैं कुछ इस तरीके से दबा दबा के फीलिंग को अंदर की साइड में मैं ऊपर से इसे पैक कर देती हूँ कुछ इस तरीके से, देखिए। और ये देखिए कुछ इस तरीके से ये बन गई है, और इसे मैं थोड़ा सा हल्का सा बेलन से प्रेस करूँगी, फिर हाथों से इसे फैला लूँगी। आप बेलन से भी बना सकते हैं, हाथों से भी बना सकते हैं, पर मुझे बेलन से अच्छा हाथों से ही लगता है। और ये देखिए बन गई है कचौड़ी फ्राई होने के लिए, और इसी तरीके से मैं बाकी सारे जो कचौड़ी थे वो बना लूँगी। और मैं इसे बनाती जाऊँगी, और गैस पर कढ़ाई जो है वो चढ़ा दी है, और फ्राई भी करती जाऊँगी। और फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि कचौड़ी जो है हमेशा लो फ्लेम पे ही बनती है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं बनती है, क्योंकि ये मैदा है और मैदा जो है वो पकेगा नहीं अगर हाई फ्लेम पे होगा तो। और इसे बादामी कलर का होने तक हमें पकाना होता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स कचौड़ी जो है वो बन गई है, और अभी मैं खाना लगा देती हूँ अपने ससुर जी का। तो दाल चावल आलू टमाटर की सब्जी ही है, और सब लोग ना बोल रहे थे कि आप बहुत अच्छा अच्छा चीज़ बना के अपने पितरों को चढ़ा रही हो। तो पहले तो मुझे बुलाया तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या कर दिया मैंने कि पितरों के लिए, कि सब लोग मुझे, सब कोई मुझे ही ऐसा बोल रहा है, पर सब ने कमेंट किया कि मुझे आप जो कर रही हैं पितरों के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स अभी जो है थाली लग गई है, और ये कचौड़ी जो है फूली फूली है, बहुत टेस्टी बनी थी, आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। मैं बता नहीं सकती कि आलू टमाटर की सब्ज़ी के साथ ये कितना अच्छा लग रहा था। और ये निवाला आप लोग के लिए है, पहले पितृ लोग, फिर आप लोग, फिर हम लोग। तो फ्रेंड्स आप इसे बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि कितना टेस्टी ये लगता है।
और फ्रेंड्स एक लाइक तो कर दिया करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स एक वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस ज़रूर करिए ताकि पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। और अब ब्लॉग को मैं समाप्त कर